हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल सारे। सो वेलकम करना तुहाडा सारिआं दा मैं अज फिर तो इस जर्नी दे विच जिहदा नाम है जी 30 डेज फिटनेस चैलेंज एट होम, ते जिहदा है साडा अज फिफ्थ डे, पंजवां दिन। सो आपां 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं इस जर्नी दे, जिहनूं तुसीं सारिआं ने काफ़ी सपोर्ट भी की आ ते फॉलो भी किया वा, प्रैक्टिस भी कर रहे हो। ते अज फिफ्थ डे मैं तुहाडे सामने फिर हाज़र हाँ एक नॉर्मल वर्कआउट लेके। जिहड़ा साडा अज दा वर्कआउट आ उह वी ज़्यादातर टारगेट करता है साडी फुल बॉडी। इस वर्कआउट ये वाला वर्कआउट करन दे नाल आपां अपनी पूरी बॉडी का वर्कआउट कंप्लीट कर सकते हैं। एक सिंपल वर्कआउट आ, नॉर्मल वर्कआउट आ, ना ज़्यादा डिफिकल्ट आ, ना ज़्यादा ईजी है। ये आपां 2 पार्ट लावांगे वर्कआउट दे। अज पहला वर्कआउट का पार्ट आ साडा हाई नीज। मैं तुहानूं करके दसूँगा आपां किवें करदे हां ये वाला वर्कआउट। कईआं नूं पता होएगा मेरे भरावां नूं, बट कईआं ने यदा ना नहीं सुनया होगा पर करते जरूर देखा होगा या खुद भी किया होगा। हाईनीज करना तो नाल दी नाल इहदे विच इक ट्विस्ट आ कि हर एक हाईनीज का सैट कंप्लीट करन तो बाद आपां पुशअप करने हैं। पुशअप करने करने हैं सिर्फ 5 पुशअप, ज़्यादा पुशअप नहीं। सो वर्कआउट स्टार्ट करन तो पहला मैं एक गल कहूँगा कि अपने लागे स्टॉप वॉच जरूर रखियो, जिहदे नाल तुसीं टाइम मेजर कर सको। अपना स्टॉप वॉच हो जाए या मोबाइल फोन की स्टॉप वॉच हो जाए जिदे टाइम मेजर कर सको। सो वर्कआउट का पहला सैट लावे आप हाई नीज का 30 सैकेंड लगातार, उस तो बाद लावे 5 पुशअप। सो आप करते हैं अपना वर्कआउट स्टार्ट। सो इतने मुकदा है साडा पहला सैट, 30 सैकेंड लगातार आप हाईनीज की थी, तो फिर लास्ट से 5 पुशअप लाए। पहला वर्कआउट का सैट कंप्लीट हो गया साडा, इतने हूँ आप लावे दूजा सैट। पर तुसी हर एक सैट कंप्लीट करन तो बाद रैसट जरूर लो, अपनी बॉडी नू रैसट जरूर देवो, तुहाडे मसल्स की रिकवरी वास्ते बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो रैसट लैन तो बाद तुसी अपना नैक्सट सैट ला सकते हो। सो दूजे सैट में आप करांगे, आपां करांगे 20 सैकेंड लगातार हाई नीज, फिर उस तो बाद 5 पुशअप। सो 2 सैट कंप्लीट कर चुके हैं। अगला है साडा लास्ट सैट इस वर्कआउट का, हूँ जी सारा लास्ट सैट पहले वर्कआउट सैट का, जिदे विच आपां करांगे 10 सैकेंड लगातार हाई नीज, फिर लास्ट 5 पुशअप। सो इतने मुकदा जी साडा पहला वर्कआउट का सैट, हूँ आप लावे रैसट। रैसट लैन तो बाद लावे आप दूजा वर्कआउट का सैट, वो कि आप 3 सैट लावे पर वर्कआउट थोड़ा चेंज आ। सो दूजे वर्कआउट के सैट आप लावे बैक किक, पहला सैट आप लावे 30 सैकेंड लगातार, फिर उस तो बाद लावे 5 सिटअप्स।
ਦੂਜੇ ਵਰਕਆਊਟ ਸੈੱਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਰੈਸਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਦੂਜਾ ਸੈੱਟ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਸੈੱਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਕ ਕਿੱਕ ਅਤੇ ਫਿਰ 5 ਸੈਟਅਪ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਵਰਕਆਊਟ ਦਾ ਸੈੱਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਕ ਕਿੱਕ ਅਤੇ ਲਾਸਟ 5 ਸੈਟਅਪਸ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਰਨੇ ਦਾ 5th ਪਾਰਟ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਰਕਆਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕੀਤੇ ਆ, ਪੁਸ਼ਅਪ ਕੀਤੇ ਆ, ਬੈਕ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਿਟਅਪਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਕਆਊਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਮਸਲ ਪਾਰਟ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਵਾ, ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਵਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਵਰਕਆਊਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਰਕਆਊਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਰਕਆਊਟ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਆ, ਸੋ ਸੇਮ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਰਕਆਊਟ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ, ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਵਰਕਆਊਟ ਦੀ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਰਕਆਊਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਇਸ ਵਰਕਆਊਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਮੈਂਟ ਬੋਕਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ। ਬਾਕੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲ, ਕੀਪ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਨੈਵਰ ਐਵਰ ਗਿਵ ਅਪ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ।